तो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर कि हमने शॉपिफाई के लिए प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करनी है और कहाँ से करनी है। देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट तलाश करना। हमें अपने शॉपिफाई स्टोर पे हम कोई भी चीज़ ऐसे ही उठा के लगा नहीं सकते। मतलब कि ये है कि लगा सकते हैं लेकिन उसके फिर ना सेल्स नहीं आएंगी। तो हमें जो है एक यूनिक प्रोडक्ट फाइंड करनी होगी, एक ऐसी प्रोडक्ट फाइंडिंग करनी होगी जो कि हमारे शॉपिफाई स्टोर के लिए बेस्ट साबित हो, ठीक है, और एक वो प्रोडक्ट यूनिक भी हो। तो हमें जो है यूजली जो है दो तरह की प्रोडक्ट्स फाइंड करनी होती है। नंबर वन जो है वो डेली यूज़ प्रोडक्ट होती है, जो मतलब कि हर घर में एक डेली बेसिस पे यूज़ होती है। और दूसरी हमें फाइंड करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, मतलब कि जो हमारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करे। ये दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हमने फाइंड करनी है। और ये दोनों प्रोडक्ट्स हमने किस तरह से फाइंड करनी है और कौन से प्लेटफॉर्म पे फाइंड करनी है, वो सारी की सारी जो है चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अभी हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ कि हमने कौन से प्रोडक्ट फाइंड करनी है और कौन सा प्लेटफॉर्म जो है जहाँ से हमने वो प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें दो तरह की प्रोडक्ट चूज़ करनी पड़ती है। ए नंबर वन पे जो आ जाती है आपकी, वो है डेली यूज प्रोडक्ट, एंड द सेकेंड वन आपकी आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। ओके, ये दो तरह के प्रोडक्ट हैं जो हमने फाइंड करनी होती है, ठीक है। लेकिन ये हमने फाइंड कहाँ से करनी है? बेसिकली पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, वो है दराज। ठीक है, दराज में भी आप मतलब के प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ठीक है ये। और इसके बाद एक शॉपिफाई भी आ जाता है, आप शॉपिफाई से भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जस्ट ओनली दराज, कि हमें दराज से प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है। सही है, सबसे पहले हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं दराज, daraz.pk वेबसाइट का ओपन कर लें। दराज जो है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो है वो 80% जो है वो पर्संस जो हैं वो होलसेलर बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको मिलती हैं होलसेल्स पे, ठीक है। होलसेलर यहाँ पर बेतहाशा बैठे हुए हैं जो आपको होलसेल पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी डेली यूज प्रोडक्ट की, ठीक है। जैसे कि एक ये है मिनी इलेक्ट्रिक शेवर, ठीक है, ये एक मिनी इलेक्ट्रिक शेवर है। थोड़ा सा नेट का इशू है, ये देखें, ये एक मिनी इलेक्ट्रिक शेवर है। ओके, ये एक डेली यूज प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है। ये आपने इस तरह ये फाइंड करना है, ठीक है। और चीज़ें आपने वो फाइंड करनी है जो कि डेली यूज प्रोडक्ट में हो और जो इजी अवेलेबल हो, ठीक है। नहीं, प्रोडक्ट्स आपने वो फाइंड करनी है जो डेली यूज में हमारे काम आए, ठीक है। और उनकी जो प्राइस है वो प्राइस भी जो है वो मिनिमम 300 से अबव हो और मैक्सिमम जो 1500 तक जाए, इससे अबव जो है वो प्राइस ना हो, ठीक है, वो फिर ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो मैक्सिमम आपने वो प्राइस रेंज रखनी है 300 टू 1500 तक, सही है। और इसके बाद आपने सर्च क्या करना है, ये है मिनी शेव, जो इसका नाम जो है वो आपने कॉपी कर लेना है, शेव पोर्टेबल इलेक्ट्रिक शेवर, ठीक है। यहाँ तक इसका नाम कॉपी कर लेना और इसको आपने सर्च कर लेना है दराज पे, ठीक है। और फिर आपने देखना, ये देखें यहाँ पर इसको तकरीबन 9500% जो है वो इसको सेल कर रहे हैं, मतलब कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट है, इसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा हो रही है मार्केट में, ठीक है। ये आपने इसकी जो लिस्टिंग है ये आपने चेक करनी है, ये मैक्सिमम जो ना 50 से अबव हो, ठीक है। इसकी जो प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हो परसेंट वो 50 से अबव हो, ये तकरीबन 9500% जो है वो इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने इसकी रेटिंग्स चेक करनी है कि रेटिंग्स इसकी जो 20 से ऊपर होनी चाहिए। रेटिंग्स यहाँ पर शो होती हैं, ये देखो 50 है, 69, ठीक है, 36, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और कहीं कुछ नहीं शो हो रही। ये देखिए 113, मतलब कि आपकी इसकी रेटिंग जो है ना वो 20 से अबव होनी चाहिए कोई भी प्रोडक्ट जो आपने फाइंड करनी है, सही है। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए, जो प्रोडक्ट आपने फाइंड करनी है उसकी रेटिंग जो है वो 20 से ऊपर होनी चाहिए। और दूसरी बात, उसकी लिस्टिंग जो है वो कम से कम 50 हो और वो जो उसकी प्राइस हो वो 300 से लेकर 1500 के दरमियान में हो, ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है। उसके बाद आपकी एक फाइंड करनी है हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, ठीक है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट में आप ये देखेंगे, एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल के तौर पर है ये मिनी इलेक्ट्रिक बॉडी मसाजर। सही है, ये देखिए ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। आपके घर में किसी को या पेन वगैरह हो, या इस तरह की जो उनके फैमिली मेम्बर्स में जो बड़े होते हैं उनको ऐसे पेन्स वगैरह होती हैं, या फॉर एग्जांपल आप कहीं अगर कोई एक महीना एक मंथ के ड्यूरेशन के बाद आप कहीं वॉक पे जाएं और आपको 4-5 किलोमीटर दौड़ लगाएं, तो आप जब आप रात को सोएंगे तो देखें आपके जो पाँव में वो बहुत ज़्यादा दर्द होगी। तो ये उस चीज़ के लिए काम आएगा आपकी, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ठीक है। और इसकी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 300 है, ठीक है। ये इसको 67% ऑफ पे ये दे रहा है, सही है। प्राइस आपने देखनी है 300 से लेके कहाँ तक 1500 तक, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसको जो है ये इसका भी नाम कॉपी कर लेते हैं, मिनी इलेक्ट्रिक, या यहाँ पर सर्च कर लेते हैं दोबारा। और इसको भी आप देख लें, 11,000 ऑलमोस्ट 11,910 बंदे जो हैं वो इस प्रोडक्ट को दराज पे सेल कर रहे हैं, सही है। मतलब कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट है और मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। और इसके रिव्यूज़ भी आप देखेंगे जो वो 850 से 20 से अबव है। देखिए ये 80 हो गया, 255 और 816, सही है। और जहाँ यहाँ पर ये प्रोडक्ट है वो उसके जो हैं वो रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ देखनी है कि उसके जो रिव्यूज़ होंगे वो 20 से ऊपर हों, और उसकी जो लिस्टिंग है वो भी 50 से ऊपर होनी चाहिए, और इसकी प्राइस 300 से 1500 तक होनी चाहिए। एक तो तरीका हमारा ये है दराज पे प्रोडक्ट हंटिंग करने का, सही है। इससे आप जो है वो एक विनिंग प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं और एक यूनिक प्रोडक्ट भी आपने फाइंड करनी है अपने हिसाब से। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए दो प्रोडक्ट थी, ठीक है। आपने अपने निशे के अकॉर्डिंग जो है वो आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है। ये था हमारा आज का दराज पे हंडिंग करने का लेक्चर, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हमने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से जो है वो प्रोडक्ट हंडिंग किस तरह करनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली अपडेट्स और वीडियोस जो कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से होंगी वो सारी की सारी आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू वेरी मच।